भाई किधर जा रहे हो? बस यार बारबेक्यू करना है, बारबेक्यू लेने जा रहा हूँ। भी अंकल बशीर की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालने में कामयाब होते हुए जी मैं कहना हो जी लाइट आड़ी भली में तो नहीं लगी होनी जो हो जी ऐसी बारबेक्यू ला लेती है भाई जन फिर अपना तो लेवल ही अलग है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, तो क्या चाल है? उम्मीद करता हूँ हम लोग ठीक ठाक होंगे और फुल मजे में होंगे। तो ले जी आपका भाई वापस आ चुका है एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। भाई जी सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, पसंद आती है नहीं आती फिर भी कर दें। तो भाई जी वापस आ चुके हैं, अब हम लोगों का आज का सीन भला क्या है? आज का सीन मैं आपको बात को मैं बताऊँगा साथ साथ। ये देखें अभी काम शाम कर रहे थे हम, ये देखें सबसे पहले तो मीट चिंटू कैसे चिंटू? मैं सोच रहा हूँ चिंटू यहाँ पे फिर क्यों रहा? चलें बाहर इसकी जगह पे छोड़ते हैं। तो आज हम लोग ऊँचा ऊँचा हाई हाई आ गए, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं इससे ऊँचा हाई हाई हमारे घर में जगह नहीं थी। भाई जान जी इधर आने की वजह कुछ तरह का आज का अनुभव कोई सीन एक्सप्लेन करते हैं। ये चेक करें भाई, ये जाना बड़ा टूटा लाइट हमने लगा दिया, बड़ा टूटा लाइट यहाँ पर। उस्ताद जी आज है बीआरबीक्यू का प्रोग्राम, अभी हम प्रोग्राम करेंगे, खाएंगे पियेंगे इन्जॉय करेंगे, रात को करेंगे। फिलहाल चले चले आ गए क्योंकि फिलहाल गर्मी शर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, गर्मी शर्मी थोड़ा कम होगी, एक दो इंतजाम शंतजाम भी रहते हैं वो करेंगे, उसके बाद भाई जी रात को फिर आपको सीन भी दिखाएंगे। तो आज फिलहाल है तो गर्मी का टाइम है और काफ़ी गर्मी का टाइम, लेकिन बात बन गया बहुत लगे प्रोग्राम करना, फिर प्रोग्राम बढ़ना नहीं चाहिए। मैंने लाइन बहुत गलत तरीके से कह दिया, लेकिन बाहर प्रोग्राम बढ़ना नहीं चाहिए। तो उसके लिए इंतजाम शंतजाम करने के लिए भाई जी हमें गर्मी में जाना है, हम गर्मी में जाएंगे, दो चार काम शाम रहते हैं वो करते हैं, खड़काते हैं, दिखाते हैं। जी फिलहाल चेक कर सकते हैं हमारी जो मोटरसाइकिल साहबा है ना वो रानी साहब हमारी बहुत गंदी हुई पड़ी है। ये चेक करें, ये भी चेक करो मिट्टी के बाद, ये चेक करो मिट्टी, मैं कहता हूँ मिट्टी हुई पड़ी है भैंस, वो चेक करो हमारे नाम की पिछड़ती हो रहे हैं। ये मोटरसाइकिल साफ है लेकिन ये हमारी है नहीं। तो फिलहाल तो हम लोग जाएंगे हाडी भाई के साथ, हाडी भाई बाहर खड़े हैं जी। मीट हादी भाई, हादी भाई दी ग्रेट इस्लामी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, जाओ चीजें लेके आओ, दवा के पास है रिजा, पता तो कर रहा हूं डंगर कोयला जा रेडी फॉर अस। हादी भाई हादी भाई इसको स्टार्ट करो शायद हो ही जाए। भाई किधर जा रहे हो? बस यार बारबेक्यू करना है, बारबेक्यू लेने जा रहा। राजा जी शाबाश, तुम लोग ये कर सकते हो और चलो जी। काला पानी लाल वाला वाफर मकदार में इन हो गया हमारे प्रोग्राम के अंदर। भी अंकल बशीर की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालने में कामयाब होते हुए जी। तो क्या चल रहा है आजकल? तो सिर्फ फोक चल रहा है। ये देखें इससे बड़ा क्या होगा, ये मैजिक है। अभी हम आपको उनको मैजिक दिखाते हैं, ये चेक करें, ये चेक करें, आग लग गई। डिशीज मैं कहता हूँ भैया जी मैजिक, ये बंद हो गई, प्रैंक हो गया। अब देखते हैं मिशन फेल। नहीं उस्ताद जी मैं कहना हो जी लाइट आड़ी भली में तो नहीं लगी होनी जो हो जी ऐसी बारबेक्यू ला लेती है भाई, फिर अपना तो लेवल ही अलग है ना। बात इसको आप देख के परेशान नहीं होना, यहाँ पे जो हमारे बकूता शकूतर है ना वो फिलहाल के लिए गर्मी की वजह से वो नीचे उस जंगले के अंदर है। टाइम पे हमारी जो है ना बत्ती ने युवा दिया, वो कहते हैं ना युवा आने वाले युवा आगे चले जाते हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों से डील करना होता है। बिल्कुल सही हाँ। जी तिके शिके लग रहे हैं और बगैरती भी शुरू हो गई है। हमारी वो लाइट चूज गई, इधर हमने भी जाना फुल वली में शीमे वाला बोल बुला लिया, इधर बैठ के भैया जी सारी फ्रेंड्स हैंड आ गए, कम शम हो रहा है, गाने मैंने बंद किए ताकि आप लोगों को अपडेट दे। बारबेक्यू की बारबी हमारे पास आ चुकी है। उस्ताद जी इधर हमारे सलार भाई जो है ना बोटियों के बीच सिखों को कर रहे हैं। सलार भाई अगर मैं तुझे इज्जत दे ही दिया तो तू शोखा ना ना हो। रास में आती ना उस्ताद जी, सिस्टम पार्ट लग रहे हैं, रोटी अभी तैयार। उस्ताद जी रोटी शटी हमने तकरीबन सारी पाल ली। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। वन इटर्निटी लेटर। उस्ताद जी इस वक्त जो है ना कोई पौने दो का टाइम हुआ पड़ा है, इधर लूडो सीन्स डाल रहे हैं। वैसे तो मैं ज्यादा बारबेक्यू शूट कर नहीं सका क्योंकि बाद में और भी लोग आ गए थे, उसके बाद भाई जी रात को 3-4 बज गए थे, इसलिए आपको ज्यादा भी नहीं दिखा सका। आपका भाई सो गया था, अभी फिलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं,
तो भाई जान जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह यार मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इसलिए ब्लॉग्स नहीं आ रहे। आप कुछ करते ही नहीं हो यार, इसलिए फिर चैनल रोके पड़े हैं। मैं कहता हूँ कोई बंदा करे ना, कि मतलब बंदे को मोटिवेशन आए तो बंदा कुछ आगे भी करे यार। बार आज लोग यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।